वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मूंग दाल चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मूंग दाल ले ली है, इसे मैंने रात भर भिगो के रखा है। आप चाहे तो 2 घंटे के लिए भी इसको भिगो सकते हैं। अब मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें ये मूंग दाल ले लिया। मूंग दाल को हम इसे इसमें जार में डाल दूंगी। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ काट कर, आप चाहें अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 हरी मिर्ची काट के डालूंगी। साथ ही साथ हम इसमें अदरक काट के डाल देंगे। हमें इसका पेस्ट बनाना है तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी मिला देंगे। इसको हमें थोड़ा दरदर पीसना है, ज्यादा बारीक ही पीसना। तो ये पेस्ट बनकर हमारा रेडी हो चुका है, हम इसे बाउल पे निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने सारा पेस्ट अपना निकाल लिया है। ये जो पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे से क्विक मिक्स कर देंगे। ये अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा पानी और मिला रही हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, जैसे डोसे का बैटर हम बनाते हैं ना वैसे ही हमें चाहिए। तो अब हम इस पेस्ट में नमक डाल देंगे अपने बैटर पे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। तो हम इसको मिला लेंगे तो ये बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैं 2 से 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। इसमें हमने 1 चम्मच हींग डाल दी है, साथ ही साथ हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अदरक को मैंने कद्दूकस करके रखा है और हरी मिर्च को मैंने काट लिया है, ये दोनों को भी हम इसमें मिला लेंगे। अदरक को हम थोड़ा, इसका जो कच्चापन है ना उसको दूर करना है, थोड़ा उतना ही पकाएंगे बस। तो अब ये देख सकते हैं ये रेडी हो गया हमारा। अब हम इसमें प्याज मिला लेंगे। ये प्याज मैंने छोटे छोटे काट के रखे हैं, वो हम इसमें मिला लेंगे। इसका कलर जब तक हल्का ब्राउन हो जाता है तब तक हमें इसको, फिर अब इसमें हम शिमला मिर्च मिला देंगे। शिमला मिर्च भी मैंने बारीक काट के रखी है। अब इसको दोनों सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें मसाले डाल दे रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच और उसको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो फिलिंग में भी थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। देख लीजिएगा कि आपने बैटर पे भी नमक मिलाया है तो उस हिसाब से ही आप अपने फिलिंग में नमक मिलाइएगा। अब ये हम फिलिंग को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हम इस फिलिंग में पनीर को भी ऐड कर देंगे। पनीर और इस फिलिंग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं दोनों।
तो अब हम चिल्ला बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तवा चढ़ा दिया है, उसमें फिर से देसी घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। इस बैटर को हम थोड़ा सा एक बार मिक्स कर ले रहे हैं डालने से पहले। तो एक कड़छी के ले लीजिए आप गोल कड़छी, उसके हेल्प से आप तवे में इस बैटर को डाल दीजिए। धीरे धीरे करके इसे घुमा, तो अब ये देख सकते हैं, अब हम चिल्ला को पलट देंगे। इसको आपको थोड़ी सीम आंच में ही, सिम की लो टू मीडियम आंच में आपको पकाना है इसको, ज़्यादा तेज आंच में मत पकाइएगा। एक साइड से हमने ब्राउन कर लिया है, अब हम दूसरी साइड से इसको हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन कर लेना आप। फिर हम इसको पलट देंगे और इस साइड हम इसमें फिलिंग ऐड कर देंगे। पैक कर लेंगे, बंद कर देंगे। तो एक चम्मच के हेल्प से हम इसको बंद कर रहे हैं, एक साइड से बंद कर दिया, दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा चिल्ला बनकर रह चुका है। तो ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।